बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल बहुत सारे अफराद मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घरेलू टोटकों से मलेरिया का इलाज किस तरह से हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मलेरिया हो जाए तो नींबू आग पर सेक लें, काट कर काली मिर्च लगा लें और चाट लें। इंशाल्लाह चंद दिनों में मलेरिया ठीक हो जाएगा। ये इस्तेमाल करने से मलेरिया बुखार की गर्मी दूर हो जाती है। सेब का इस्तेमाल करने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। सूंड और खुश्क धनिया बराबर मिकदार में मिलाकर पीस लें। दिन में 3 बार पानी से खाएं, बुखार नहीं होगा। लस्सी पीने से 4थे दिन आने वाला मलेरिया ठीक हो जाता है। मलेरिया बुखार में अमरूद का इस्तेमाल करने से फायदा होता है। लहसुन का रस मलेरिया आने से पहले पांव के नाखूनों पर लेप कर दें। 1 चम्मच लहसुन के रस में तिलों का तेल 1 चम्मच मिलाकर बुखार आने से पहले हर घंटे बाद 10 कतरे जबान पर डालकर मुतवातर 4 दिन तक चूसते रहने से मलेरिया नहीं आएगा।